हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक चैनल के माध्यम से जितनी भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित जितनी भी आज दिनांक 6/1/2022 तक जो भी अपडेट हैं, उन सारी अपडेट के बारे में बात करूंगा। तो प्रमुख जो मुद्दा इसमें रहेगा ये है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन 9,000 रुपये तक करने की घोषणा की गई है। तो क्या वो 9,000 रुपये तक पेंशन हो पाएगी या नहीं, और होगी भी तो किन किन लोगों की होगी पेंशन। और सबसे प्रमुख बात ये भी मैं बताऊंगा यहाँ पे कि ईपीएफओ की तरफ से आगे क्या अपडेट किया गया है, ईपीएफओ ने क्या जवाब दिया है, क्या कह रहे हैं ईपीएफओ। और साथ ही साथ श्रम मंत्री, वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री, जो सरकार है, उसका क्या कहना है जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं। उसके अलावे सुप्रीम कोर्ट का भी क्या अपना एक राय है, और ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि कब तक हो जाएगी। साथ ही साथ एनएससी के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 9,000 रुपये। तो आए दिन आपने देखा ही होगा कि 9,000 रुपये न मालूम कितने अखबार पेपर में और कितने न्यूज़ के माध्यम से आपने सुना होगा कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें 9,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें कि अभी 9,000 रुपये तक पेंशन हुई नहीं है। सिर्फ एक कथित तौर पे कहा गया है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें 9,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी, लेकिन इसका कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी सर्कुलर ऐसा नहीं आया है ईपीएफओ की तरफ से कि आपको 9,000 रुपये जितने भी पेंशनर्स हैं उन्हें मिल जाए। चलिए, यह बात से पर्दा मैं उठा दूंगा, अभी बता दूंगा सारी कहानी, आपको समझा दूंगा कि 9,000 रुपये क्या है, कैसे है, वो मैं आगे। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ ईपीएफओ की तरफ से। देखिए, ईपीएफओ की तरफ से जब अभी कुल मिला के ऐसा भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से दबाव ही बन गया कि जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में वृद्धि की जाए, तब ईपीएफओ ने एक बोला था कि मेरे पास 4 कैटेगरी में मैं पेंशन दूंगा, भाई 3,000, 5,000, 7.5 या 9, ऐसे में पेंशन दूंगा। लेकिन सबको तो नहीं दे सकता हूं, क्योंकि पेंशनर्स जो हैं वो 67 लाख पेंशनर्स हैं। 67 लाख पेंशनर्स को सबको 9,000 रुपये नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं जो दूंगा पेंशन, वो पेंशन उनके उनके द्वारा जो मतलब कंट्रीब्यूशन हुआ है उसी आधार पे पेंशन की रकम प्रोवाइड कराई जाएगी। अब देखिए, उन्होंने ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया कि आप मुझे बताएं कि कितना पेंशन देने योग्य कौन है, ये मैं देता हूं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कोई डाटा आपके पास होना चाहिए जिससे यह सिद्ध हो कि कितने लोगों ने कितने समय में और कितना जो है तो आपको कंट्रीब्यूट किया है, कितना अपनी रकम जो है तो आपके पास में रखी है। उस टाइम पे एक डाटा बनाया गया, जो डाटा बनाने में ही काफ़ी लंबा समय लग गया ईपीएफओ को, और ईपीएफओ ने वो डाटा जो तो आगे भेज दिया है प्रोसेस में। यानी कि कुल मिला के जो 9,000 रुपये है, वो 9,000 रुपये में कुछ लोगों को 9,000 रुपये इजवेल हैं जिन्हें 9,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी, लेकिन कुछ लोग को 3,000 की ही श्रेणी में रखा गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसा कुछ नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि 9,000 रुपये में भी कुछ लोग हैं जिन्हें 9,000 रुपये भी पेंशन मिलेगी, और कुछ 3,000 के कैटेगरी में भी आते हैं कुछ पेंशनर्स जिन्हें 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी, बाकी 5 और 7, 7.5 इसमें भी हैं कुछ लोग। तो अगर ये डिवाइड करेंगे तो लगभग लगभग 20 लाख पेंशनर्स हैं वो 9,000 पेंशन की रकम का फ़ायदा उठाएंगे, और जो 30 लाख हैं वो 3,000, और बीच में बचे हुए जो पेंशनर्स बचते हैं वो 5 और 7 का पेंशन का फ़ायदा उठाएंगे। हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी, मैं समझ रहा हूँ। अगर बात हमारी समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको कि अब देखिए, श्रम मंत्री की तरफ से भी आदेश आया था, आश्वासन मिला था, ईपीएफओ की तरफ से भी आश्वासन दिया गया था जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें कि उन सब की पेंशन में वृद्धि होगी। लेकिन किनके पेंशन में वृद्धि होगी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। अगर मान लीजिए, मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है, उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ही पेंशन में वृद्धि होगी, तो कंट्रीब्यूशन का भी डाटा प्रॉपर जो है तो प्रिपेयर नहीं हो पाया है। वो प्रिपेयर होगा और होने के बाद में उसी डाटा के अनुसार जो तो ईपीएफओ के द्वारा ये कहा जाएगा या बताया जाएगा कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके पेंशन में कैसे कैसे वृद्धि होगी। ठीक है,
अब चलिए मैं आगे बात करता हूँ, वित्त मंत्री जी, श्रम मंत्री जी, इनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी आश्वासन दिया गया था, और जो सांसद माननीय हेमा मालिनी जी हैं उनके द्वारा भी आश्वासन ही दिया गया था, ना कि कोई ऐसा बोला गया था कि भाई इतने तारीख से EPS 95 पेंशनों की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। आज मैं 6 तारीख की बात कर रहा हूँ, 6/1/2022 की आज तक का अपडेट है आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से या बहुत सारे पेंशन न्यूज़ के माध्यम से आपने देखा होगा और सुना ही होगा कि इतने फला तारीख से 9,000 रुपये पेंशन हो जाएगी, इतने तारीख से इतने 1,000 रुपये पेंशन हो जाएगी। तो मैं बोलता हूँ कि आप उस न्यूज़ पे ना जाएं, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप तो इंतज़ार करके बैठ जाएंगे कि इतने तारीख से आपको पेंशन मिलने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका नोटिफिकेशन आएगा, वो नोटिफिकेशन ही आपको सिद्ध करेगा कि किसको कितना और कितने तारीख से पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले अगर आप सोच रहे हैं कि किसी न्यूज़ के माध्यम से बताया जाए, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी न्यूज़ के माध्यम से आपको बता दिया जाए कि इतने तारीख से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि हाँ इतने तारीख से पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों मैं आगे बात कर लेता हूँ, अब थोड़ा सा और आपका समय लूँगा, तो महत्वपूर्ण बात मैं NAC के ऊपर करने वाला हूँ। देखिए NAC में अभी उत्तर प्रदेश में लखनऊ सदस्यता ग्रहण एक समारोह हुआ, बहुत ही बड़ा, जिसे हम बोल सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण NAC की तरफ से बैठक रैली समिति का गठन हुआ, पुनर्गठन किया गया। उस पुनर्गठन में जितने भी लोग थे कार्यकर्ता वहाँ के, सबको उनका उनका जो तो पदभार दिया गया, और अपने अपने पदों को बखूबी अच्छे से जो संभालने वाले हैं उनको दिया गया। साथ ही साथ कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो में मैं बताया भी था कि कौन कौन है, भाग एक और भाग दो, शायद उस वीडियो को आप लोगों ने देखा नहीं है, तो आप से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देख लें, भाग एक भाग दो, दोनों भागों को देखेंगे तो प्रॉपर आपके समझ में आ जाएगा NAC की तरफ से जो एक पुनर्गठन किया गया है। तो ये पुनर्गठन किया जा रहा है, साथ ही साथ मैं बात कर लेता हूँ फरवरी की। देखिए फरवरी में समिति का गठन किया गया है और फरवरी में ही यह फैसला होगा कि 9,000 रुपये EPS 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि के लिए फरवरी में बैठक होगी, गठन होगा, फरवरी में समिति बनेगी, तो फरवरी में इस पर डिसीजन लिया जाएगा, और जब फरवरी में डिसीजन ले लिया जाएगा इसके बाद कहीं मार्च तक में जाके EPS 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि होगी, उसके पहले तो नहीं हो सकती है। फिर जो तो इतना काहे के लिए खबर और न्यूज़ दे रहे हैं, तो महत्वपूर्ण यही है कि जो अभी खबर आप तक पहुंच रही है, जो चल रही है कि EPS 95 पेंशनों की पेंशन फला तारीख से बढ़ जाएगी, इतने तारीख से बढ़ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब फरवरी में समिति की ही गठन होगा, समिति ही बैठेगी, समिति के द्वारा फैसला ही किया जाएगा, जब फरवरी में यह सब कुछ है तो अभी काहे के लिए पेंशन कैसे बढ़ जाएगी बताइए। तो ये है, इन सारी चीज़ों पे देखा जाए, ये सारी चीज़ों पे गौर किया जाए। देखिए जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं हमारे हिसाब से सब एजेड हैं, बुजुर्ग हैं, 65-70 साल के लोग हैं, 60 प्लस ही हैं, तो वो लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, हमारी वीडियो को कोई यंग नहीं देखता, हमारी वीडियो को ओल्ड लोग देखते हैं, पुराने लोग देखते हैं, उनकी भावनाओं के साथ में किसी भी प्रकार का खेल नहीं करना है, जो सही जानकारी आती है वो बताना है, सही जानकारी के साथ साथ में सही चीज़ जो होता है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद भी आता है, अगर वीडियो पसंद आता है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मेरा जो है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मुझसे संपर्क करने का जरिया है, अगर आप में से कोई भी लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप इन माध्यमों से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही था महत्वपूर्ण अपडेट, चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।